सर क्या हाल चाल है मेरे भाई लोग का, बढ़िया। सो अभी अभी रजनीकांत सर के जेलर मूवी का ट्रेलर को रिलीज करा गया, और ट्रेलर को देखने के बाद दिल से पहला आवाज यही आ रहा है, भाई साहब ये क्या देख लिया है भाई। लिटरली यार, मतलब एक टाइम के लिए बिलीव नहीं होता है कि रजनीकांत सर इतने बड़े हो के भी मतलब इस लेवल का एक्शन करते हैं, इस लेवल का भाई उनका डायलॉग डिलीवरी है। मतलब ऐसे तुम बोल सकते हो ना कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में ना कुछ एक ऐसे एक्टर है ना जिनके ना तुम पर्सनालिटी पे नहीं जाते हो, ऐसा लगता है कि ये इंसान अगर बोल रहा है मतलब ये इंसान वो कर सकता है। जैसे अगर अपना अगर बॉलीवुड की बात करें तो धर्मेंद्र सर थे और अमिताभ बच्चन थे, जिनों का बातों में वो दम हुआ करता था, ऐसा लगता था अगर ये इंसान बोल रहा है मतलब ये इंसान वैसे ही करेगा। जैसे धर्मेंद्र सर को लगता था कि ये इंसान सच में शेर भाग से लड़के उसे मार सकता है। उन्हीं एक्टर लोगों में से अपने रजनीकांत सर भी आते हैं, जिन लोगों को ना ये सिक्स पैक एप्स दिखाने की जरूरत नहीं है भाई। अगर ये एक्टर ऐसे खड़ा होकर बोल रहा है कि आफ्टर दैट टाइम आई डोंट टॉक आई स्लैप, मतलब ऐसा लगता है कि गुंडों को भाई इस टाइम बाद ये बात उत नहीं करेगा, डायरेक्ट ये कुटाई करेगा। इस लेवल का ऐसे एक्टर लोगों को और है यार, इस तरीके से ट्रेलर की कटिंग करी गई है। ओ हो वंडरफुल यार, मतलब ऐसा तुम बोल सकते हो कि बेस्ट कटिंग है ट्रेलर की। जैसे स्टार्टिंग वाला जो शॉट दिखाया गया ट्रेलर में, जैसे वो गाड़ी चल रहे हैं, फिर वो लॉन्चर से उड़ाता है, फिर कट दूसरे शॉट में एक स्नाइपर रहता है, वो भाई वो सीन काफ़ी मेरे को तगड़ा लगा है। उसके बाद रजनीकांत सर की इंट्री होती है, रजनीकांत सर प्रॉपर एक फैमिली मैन दिखाया गया है, देन उसके बाद उनके फैमिली पर कुछ उल्टा पुल्टा चीज़ें हो जाता है, और विलेन है अपने जैकी श्रॉफ कुछ उल्टा पुल्टा चीज़ें करते हैं, फिर उसका कुटाई उटाई स्टार्ट हो जाता है। फिल्म का प्लॉट जस्ट सिंपल है, बट हाँ कटिंग ट्रेलर की भाई बहुत ही ऑसम है, और इसके साथ साथ अनिरुद्ध सर का बीजीएम है, ओहो अभी के टाइम में देख लो यार, अनिरुद्ध सर हर जगह छाए हुए हैं, जितनी बड़ी फिल्में आ रही है उन सब फिल्मों से ना अनिरुद्ध सर कहीं ना कहीं भाई जुड़े हुए तुम सबको देखने को मिल जाएंगे। इनकी खास बात यह है ना, हर फिल्म में ना सेम टाइप का म्यूजिक नहीं देते, हर फिल्म में कुछ ना कुछ डिफरेंट म्यूजिक देने का ट्राई करते हैं। बेशक बहुत ऐसे हॉलीवुड के फिल्मों से भी तुम्हें ऐसा लगेगा सुना सुनाया चीज़ है, लेकिन हाँ अपना भी एलिमेंट तगड़ा लेवल पर डालते हैं और मजा आ जाता है इनका म्यूजिक सुनने के बाद। और जेलर का ट्रेलर में भी भाई इन्होंने जो बीजीएम दिया हुआ है, बवाल लेवल का बीजीएम दिया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई तमिल और साउथ के ऑडियंस से काफ़ी ज़्यादा प्यार देंगे, खासकर तमिल ऑडियंस भाई ये फिल्म को भर भर के देखने जाने वाली है, क्योंकि ये फिल्म में जो रजनीकांत सर का जो स्वैग है, जो स्टाइल है, ओह मतलब जितनी भी तारीफ करो भाई उतना कम है। सच बोलूँ तो यार प्रॉपर एक हार्डकोर मसालेदार ट्रेलर लगा है मुझे। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग इस पर क्या कहना है, तुम लोग को ये ट्रेलर कैसा लगा है ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। सो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, और हाँ ये वीडियो तुम सबको जरा भी पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हो तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।